और उसमें अगर चाय की प्याली हो जाए तो दर्शकों की ताली भी हो जानी चाहिए। बहुत अच्छा, आगे बढ़ रहा हूँ, आपको लिए चलता हूँ। सब्जी बेचने की दुकान है, उधर देखिए आप, ढोल शुरू हो चुका है, बिल्कुल सामान्य चल रहा है पूरा। अच्छा, वहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग दुकानें सजी हुई पड़ी है। अब किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दुश्मन के इरादे। और ये सायरन बजा है, और सायरन बजने का मतलब है कहीं ना कहीं आपदा की स्थिति है। और आप देखिए, जिन्हें आपदा से बचने का मालूम है वे लोग जमीन पर लेट गए हैं। दर्शक देखें इस दृश्य को, देखें, एक साइकिल वाला दूध बेचने निकला है। आप देखिए, वो दूध बेचने निकला है, उसे सायरन का पता नहीं है। सायरन बजा यानी कहीं ना कहीं आपदा की स्थिति है। देखो, बच्चे सब सो गए हैं जमीन पे, कुछ लोग जो समझते हैं वो सो गए हैं कानों पर हाथ और बिल्कुल जमीन पे लेट गए हैं, लेकिन जिन्हें मालूम नहीं है वो अभी भी खड़े हैं। उन्हें मालूम नहीं क्या कुछ होने वाला है। अच्छा, आलू टमाटर भिंडी की रट अभी भी आ रही है। अच्छा, और ये धमाका दूसरा, पहला धमाका, दूसरा धमाका लगता है, बम गिरने की आवाजें हैं, और ये तीसरा बम गिरा और कुछ लोगों की कैजुअल्टी। देखिए, दिल धाम के बैठिए, यहाँ आग लग गई है, उधर धुआं हो रहा है, बम गिरे हैं, और ये चौथा धमाका हुआ, बम गिरे हैं। ऐसी स्थिति में रेस्क्यू कैसे किया जाए, बचा कैसे जाए? दूसरा सायरन का मतलब है, नागरिक सुरक्षा संयुक्त अभ्यास आपके सामने हो रहा है। गंभीरों को, जो गंभीर रूप से घायल है, उन्हें राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया जाएगा, ले जाया जाएगा। और अभी यहाँ आप देखिए, मंच के बिल्कुल दाहिनी ओर ये नर्सें दौड़ रही हैं, ये अभी यहाँ तत्काल फर्स्ट एड देगी जिन्हें कम जख्म आए हैं। जल्दी जल्दी फास्ट,
रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गंभीर घायल और कुछ घायल जो चोटिल हुए हैं उन्हें, और ये देखिए ये एम्बुलेंस रवाना हुई यहाँ घायलों को लेकर के, ये दूसरी एम्बुलेंस कितनी चुस्ती, ये दूसरी एम्बुलेंस बिल्कुल सामने है क्योंकि गंभीर रूप से कुछ लोग घायल हुए हैं। एम्बुलेंस में घायलों को डाला जा रहा है ताकि उन्हें राजकीय चिकित्सालय में पहुंचाया जा सके और जान बचाई जा सके। सारे दर्शक स्तब्ध हैं। नापाक इरादा कभी भी दुश्मन का हो सकता है, ऐसे में हमें किस तरह से सावचेत रहना है ये यहाँ पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, आपको सचेत किया जा रहा है। नागरिक सुरक्षा का संयुक्त अभ्यास आपके सामने है। रेस्क्यू चल रहा है फटाफट, एम्बुलेंस रवाना हुई, अब देख रहे हैं फर्स्ट एड की टीम अपना काम कर रही है। और अब इस पूरे एरिया को घेरा जाएगा, पूरे एरिया को घेरने के लिए पूरा व्यवस्था की जाएगी ताकि आगे किसी तरह की कोई घटना यहाँ ना हो। देखिए पूरे एरिया पर ध्वज लगा करके, ये देखिए एक जिंदा बम है जिसे यहाँ से लैब में भेजा जाएगा। और ये आ गई है वो सुरक्षा घेरे की टीम, एनसीसी कैडेट्स। आपकी तालियां गुम कहाँ हो गई ऐसे परिदृश्य को देखने के बाद में, मैं सोच रहा हूँ आप पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को धन्यवाद दे रहे होंगे कि ये जागरूकता आपने ठीक हमें बताई। ऐसे अवसरों पर कई अच्छे मैसेज आते हैं। फिर एम्बुलेंस तत्काल एरिया कवर करें, तत्काल एरिया कवर करें, झांकियां रवाना करें, धीरे धीरे झांकियों को रवाना करें क्योंकि हम इसे समापन की ओर ले जा रहे हैं। नागरिक सुरक्षा का संयुक्त अभ्यास गंभीरों को राजकीय चिकित्सालय में पहुंचाया गया, बाकी की सुरक्षा हो रही है। निर्देश दिया गया कि इस पूरे स्थान को जहां जहां भी यह दुर्घटना हुई है इसे कब्जे में ले लिया जाए। अभी का जो अभ्यास आप देख रही हैं पूरा का पूरा नागरिक सुरक्षा संयुक्त अभ्यास, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नागरिक सुरक्षा संयुक्त प्रयास आप अभी देख रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य का नेतृत्व कर रहे हैं श्री पवन भूत, अंशकालिक प्रशिक्षक, और इस आयोजन में सहयोगी हैं डॉक्टर आदर्श किशोर जानी सहायक प्रोफेसर और श्री डालू राम चौधरी। ये परिदृश्य समापन की ओर है और झांकियां आएगी, आप दिल ठान करके बैठे रहे, लेकिन इससे पहले कुछ सम्मान दिलाने हैं।